देशित में आज सबसे पहले बात ईरान की। कल तक आप ईरान की सड़कों और यूनिवर्सिटी में हिजाब के खिलाफ आंदोलन की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब यह आंदोलन ईरान के स्कूलों में फैल गया है। आज हम आपको ईरान में हिजाब के खिलाफ स्कूल गर्ल का गदर दिखाएंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेहरान में ईरान की पुलिस स्कूली छात्राओं पर हाथ उठाती है, लेकिन छात्राएं डरती नहीं। ईरान के शिराज शहर में स्कूल कैंपस में आए एक सैन्य अधिकारी के सामने लड़कियां गो बैक के नारे लगाती हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ स्कूली गदर की ये पूरी रिपोर्ट देशहित में आप देखिए। पहला वीडियो, ईरान की पुलिस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर हाथ उठा रही। दूसरा वीडियो, स्कूल कैंपस में ईरान के सैन्य अधिकारियों के सामने छात्राएं हिजाब लहरा रही। तीसरा वीडियो, एक छात्रा क्लासरूम में दीवार पर खुमैनी और खामेनेई की तस्वीर हटा रही है। चौथा वीडियो, क्लासरूम में बिना हिजाब के और खुले बालों के साथ सात लड़कियां हिजाब के खिलाफ क्रांति गीत गा रही हैं। पांचवा वीडियो, हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की भीड़ जोर जोर से नारे लगा रही है, महिला जिंदगी आजादी। ये पांच वीडियो हिजाब के खिलाफ ईरान की स्कूल गर्ल्स के हैं। इन सभी तस्वीरों की अलग अलग कहानियां हैं। एक एक कर इस वीडियो की पूरी कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हिजाब के खिलाफ आंदोलन में ईरान के शहर शहर, गांव गांव और स्कूल तक शामिल हो चुके हैं। एक स्कूल कैंपस में ये छात्राएं नारे लगा रही हैं। कुछ छात्राएं पोस्टर दिखा रही हैं, हिजाब लहरा रही हैं और कह रही हैं, यहां से चले जाओ बासिज। इसका मतलब क्या हुआ? बासिज एक पैरा मिलिट्री फोर्स है, जो ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ही एक हिस्सा है। और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक आदमी मंच से भाषण दे रहा है। ये शख्स ईरान का सैन्य अधिकारी है और बासिज में अहम पद पर है, जिसे इस स्कूल में छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन छात्राओं के विरोध के आगे इसकी बोलती बंद हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो ईरान की राजधानी तेहरान का है। तेहरान में स्कूल से निकलते समय छात्राओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वीडियो में दिख रही ज्यादातर लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही हैं, लेकिन वहां नारेबाजी की आवाजें भी आ रही हैं। इसी दौरान सादी वर्दी में कुछ पुलिस कर्मियों ने छात्राओं पर हाथ उठाया। अपनी सहेली को संकट में देखकर कुछ छात्राएं उसके साथ देने के लिए पीछे लौटी, तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ भी हाथापाई की। हालांकि लड़कियां पुलिस कर्मियों का सामना करती रही। हाई स्कूल में पढ़ने वाली इन सात लड़कियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सात छात्राएं क्लासरूम में एक कतार में खड़ी होकर हिजाब के खिलाफ क्रांति गीत गा रही हैं। इनमें से पांच लड़कियों के बाल खुले हैं और वीडियो इस तरह से बनाया गया है कि चेहरे की जगह खुले हुए बाल दिखे, क्योंकि बाल ईरान में हिजाब के खिलाफ क्रांति का नया प्रतीक बन चुका है। जैसे ही गीत खत्म होता है, सभी लड़कियां तालियां बजाने लगती।
इस वीडियो को देखकर भी ईरान की सरकार डरी हुई है। स्कूल कैंपस में लड़कियों की भारी भीड़ है। कई लड़कियां हाथ में हिजाब लेकर लहरा रही हैं। छात्राएं जोर जोर से नारे लगा रही हैं, कह रही हैं, महिला जिंदगी और आजादी। इस वीडियो की भी दूर दूर तक चर्चा है। क्लासरूम में दीवार पर एक फोटो फ्रेम है जिसमें खोमेनी और खामेनेई की तस्वीर है, जिन्होंने ईरान में 4 दशक तक शासन किया। ये छात्रा इस फोटो फ्रेम को इस तरह पलट कर लगा रही है कि जिससे खोमेनी और खामेनेई की तस्वीरें ना दिखे। इस फोटो फ्रेम की दूसरी तरफ लिखा है, महिला जिंदगी और आजादी। घड़ी बता रही है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब दोपहर के 3:45 हो रहे थे। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ईरान सरकार की नींद उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या हिजाब को लेकर हो रहा यह आंदोलन ईरान की चाल बदल देगा? सरकार और प्रशासन की दमनकारी नीति के बीच हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला टूटने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है दुनिया से मिल रहा समर्थन। हिजाब के खिलाफ अभियान को यूरोप के देशों से भारी समर्थन मिल रहा है। स्वीडन की महिला सांसद ने तो यूरोपीय संसद में भाषण के दौरान अपने बाल काटकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। जिन बालों को ईरान की सल्तनत ने हिजाब से ढकने का हुक्म दे रखा है, वो बाल अब ईरान सरकार के जी का जंजाल बन चुके हैं। तेहरान छोड़िए और फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की इस चर्चित तस्वीर को देखिए। यूरोप की संसद में भाषण देते हुए कैंची से अपने बाल काट रही ये महिला स्वीडन की सांसद है। नाम है अबीर अल सहलानी। With the peoples and the citizens of the EU demand the unconditional and immediate stop of all the violence against the women and men in Iran. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jiyan, Jiyan, Azadi. Women, life, freedom. अबीर अल सहलानी इराक मूल की हैं। बुधवार को यूरोपीय संसद में स्वीडन की सांसद के तौर पर भाषण के दौरान उन्होंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कैंची से बाल काटकर संदेश दिया कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। हिजाब के खिलाफ आंदोलन में फ्रांस की फिल्मी हस्तियां भी आगे आईं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फ्रेंच एक्ट्रेस मैरियन कोटिलार्ड और जूलियट बिनोशे ने अपने बाल काटते हुए वीडियो शेयर किए। इसके अलावा फ्रांस की कई फिल्मी हस्तियों ने ईरान में हिजाब के नाम पर हो रही हिंसा के विरोध में बाल काटे। ये तस्वीरें ईरान की हैं। रोम में महिलाएं और पुरुष दोनों हाथ में पोस्टर लेकर ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने उतरे। ये लोग ईरान में महिलाओं की आजादी की मांग कर रहे हैं। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को ईरान के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है तो वो यूरोप के देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।